टुडे इज 13 जुलाई एंड आज मैं जा रही हूँ अपने यूजी कॉलेज. वो किस लिए जा रही हूँ वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगी आपको, बट फिलहाल के लिए आई एम एट साइंस स्टेशन राइट नाउ एंड काफ़ी बारिश हो रही है. मुंबई की मानसून इज हॉरिबल, लाइक हॉरिबल, एंड इट इज रियली हॉरिबल टाइम टू ट्रैवल. मैं पूरी भीग गई बट स्टिल यू हैव टू गो, सो लेट्स गो. इज गोइंग टू बी अनदर मिनी व्लॉग. एंड आज मैं आई हूँ अपने यूजी कॉलेज में फॉर आर रिसर्च वर्कशॉप. सो आई एम गोइंग टू शो यू कैंपस ऑफ साइन आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हाउ माय डे गोज टुडे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड अभी बज रहे हैं 8:30 एंड ब्रेकफास्ट है पहले एंड देन लेक्चर्स चालू होंगे एंड देन लंच ब्रेक होता है एंड देन वापस लेक्चर्स. सो आई एम गोइंग टू शो हाउ इट गोज एंड आई एम गोइंग टू शो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कैंपस ऑफ माय होम from last 7 years, not anymore though. So stay tuned for it and see you. And it is time for breakfast, so let's go for breakfast first. सो वी आर डन विथ लंच एंड अभी थोड़ा सा बचा कुछ टाइम है वापस से वर्कशॉप स्टार्ट होने के बीच का. सो इन दैट टाइम आई एम गोइंग टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ कैंपस जितना पॉसिबल हो अभी. सो लेट्स गो. दिस इज अ स्पेशल रूम्स फॉर पेशेंट्स एंड ये हॉस्पिटल बिल्डिंग. ये उस तरफ कैंटीन है जहाँ पे हमने अभी खाया है एंड देन यहाँ पे धन्वंतरी का छोटा सा मंदिर है एंड ये एंट्रेंस उस तरफ है गेट के, लाइक आई शो वेट. बट ये बैक साइड है एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग है ये. कॉलेज बिल्डिंग उस तरफ है एंड इवन ओपीडी बिल्डिंग इज ऑल्सो ऑन दैट साइड. सो फर्स्ट ईयर इज पंचकर्म विभाग दैट यू कैन सी. वहाँ पे वेरियस पंचकर्म प्रोसीजर्स होते हैं जो भी ओपीडी बेस स्पेशली करने होते हैं वो वहाँ पे होते हैं. वार्ड के पेशेंट्स का पंचकर्म प्रोसीजर्स वार्ड में ही होता है. सो दिस इज द पंचकर्म का सेंटर एंड यहाँ पे रक्तमोक्षण वगैरह करते हैं. इवन दिस इज फॉर रक्तमोक्षण जलों का अग्निकर्म या पच्छान कर्म करता है उसके लिए है. स्त्री विभाग है एंड दिस इज फीमेल पंचकर्मा यूनिट. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनसाइड और आई कैन गो, नो वन इज देयर. बट वो जो कूटी दिख रही है, आई विल शो यू. ये जो कूटी है इसमें स्वेदन करता है. यहाँ पे ये कुकर से ऐसे अटैच करते हैं उसमें भाष्प आता है और ये पूरा कवर होता है, लाइक ये ऊपर लेके पूरा कवर करता है. मुंडी यहाँ से निकलती है. सो ये ऐसे होता है एंड उस तरफ स्नेहन का है एंड यहाँ पे भी रूम्स है. दिस इज एंट्री ऑफ हॉस्पिटल एंड यहाँ पे स्त्री का चिकित्सा वार्ड है. दिस इज साई चिकित्सा वार्ड. दिस इज पंचकर्म वार्ड. कम विथ मी. फ्रॉम दिस साइड इन साइड यहाँ पे बस्ती का कक्ष है और शिरोधारा के लिए भी कक्ष है एंड वहाँ पे गायनेक वार्ड है एंड सेकेंड फ्लोर पे अगेन पंचकर्म मेल वार्ड एंड यहाँ पे सर्जरी का वार्ड है. इवन देयर इज सर्जरी का वार्ड एंड ये ऑपरेशन थिएटर है. वी कैन गो इनसाइड. हाँ यहाँ पे बहुत लाइनें लगाई हमने. दिस इज ऑफिस ऑफ साइन आयुर्वेद महाविद्यालय. देयर इज प्रिंसिपल सर्स ऑफिस एंड दिस इज लेडीज हॉस्टल. देयर आर 3 to 4 रूम्स अवेलेबल फॉर रेसिडेंट्स हियर एंड नाउ वी आर एट द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग. इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग एक्चुअली. पूरा भूल भुलैया जो पहली बार आता है उसको कुछ नहीं समझ में आता है यहाँ पे. एंड यहाँ पे यू जी के क्लासरूम्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर. यहाँ
यहाँ से काउंटर है जहाँ पे पेपर निकलते हैं, एंड दिस इज़ आईपीटी नेत्र विभाग, दंत विभाग, शालाक्य शरीर, बाल रोग विभाग, एक्चुअल एंट्री ऑफ ओपीडी फॉर कॉमन पीपल और पेशेंट्स एट दिस वन, एंड यहाँ से गेट है बाहर. सो दिस वॉज माई प्यारा सा भुलभुलैया जैसा यूजी कॉलेज, इवन दो फ्लोर्स ऊपर भी क्लासरूम है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ की ये है, ये गार्डन, इट इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. लाइक मेरे यूजी का बहुत सारा टाइम मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है. वी विल गो इन साइड इफ आई गेट टाइम आफ्टर 4 PM, और अगर वो चालू रहा तो. प्यारा सा कॉर्नर है जो एक्चुअली रिसेंटली डेवलप हुआ है, बट दिस इज वेरी क्यूट. एंड आई विल शो यू द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज रियली नाइस, यू हैव टू सी इट. लाइब्रेरी नीचे है ऑडिटोरियम में, यहाँ पे छतरी का एग्जीबिशन लगा है अभी. ऑडिटोरियम क्लोज नाउ. इसका मेजॉरिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लाइब्रेरी का और ऑडिटोरियम का हुआ है, ये लास्ट 2.5 ईयर्स में हुआ है. जब हम थे यहाँ पे तो ये बहुत ही गंदा था, बट अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया. हो गया कि ये कॉर्नर मैं खुद पहली बार देख रही हूँ. लाइक यहाँ पे पूरा कबाड़ा था, बट इन्होंने हटा के अभी प्लांट्स लगाए. वेट इज हियर, दिस इज द कॉलेज बिल्डिंग आई सपोज. या इट इज द कॉलेज बिल्डिंग, एंड इस तरफ कुछ नहीं है. सो दिस वॉज इट फ्रॉम द कैंपस टूर. हे एवरीबॉडी, सो आज थर्ड डे था रिसर्च वर्कशॉप का और फाइनल डे था. 3 दिन का वर्कशॉप था, एंड ये प्री MD सिनॉप्सिस सबमिशन के पहले करना कंपलसरी होता है. MUHS का बेसिक रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी सर्टिफिकेट होता है, दैट इज़ नेसेसरी. सो फॉर दैट रीज़न आई वॉज़ हियर इन माई UG कॉलेज, एंड आई एम डन विद इट. एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे वो रिसर्च प्रोग्राम मेरे UG कॉलेज में करने मिला, बिकॉज ऑब्वियसली दिस प्लेस फील्स लाइक होम, बिकॉज यहाँ पे अच्छे बुरे बहुत सारे टाइम स्पेंड किए. एंड बाहर जाने के बाद तो और ऐसे लगाव हो गया है मुझे, जितना पहले नहीं था उससे भी ज़्यादा हो गया. सो दिस वॉज स्वीट एंड सिंपल कैंपस ऑफ माई कॉलेज, एंड इट वॉज माई स्मूथ डे टूडे. एंड दिस इज हाउ आर क्लासरूम लुक्स लाइक. ये मेरा फाइनल ईयर का क्लासरूम था. मोस्टली मैं यहाँ बैठती थी, यहाँ पे मैं और आभा बैठे रहते थे हमेशा. यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज गिव लाइक टू द वीडियो, एंड प्लीज टू कॉमेंट और सजेस्ट topics on which I can make video as an MD student, first year MD student. So do not forget to drop your suggestions. Thank you. Bye bye.